दुष्ट टकली टीचर। मोहनपुर नामक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी। उसके पिता मोहन गांव में ही मजदूरी किया करते थे और रानी अपनी दादी के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाती और साथ ही पढ़ाई भी करती थी। रानी को पढ़ने में बहुत ही रुचि था और वो पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती थी। रानी बिटिया, मेरा चश्मा कहाँ है? ये रहा दादी। दादी आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप आराम करो, घर का सारा काम मैं कर लूँगी। पर बिटिया तेरा तो कल इम्तिहान है ना, तू जा और जाकर पढ़ाई कर, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। दादी आप अब ये दवाई खाओ और यहाँ लेट जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। और आप फिक्र मत करो दादी, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी और देखना हर बार की तरह इस बार भी मैं ही पूरी क्लास में फर्स्ट आऊँगी। जुग जुग जियो मेरी पोती, भगवान तुम्हें जल्द ही कामयाबी दे। रानी बहुत ही समझदार लड़की थी, वो अपना घर का सारा काम भी करती साथ ही पढ़ाई भी अच्छे से करती। कुछ ही दिनों में स्कूल का रिजल्ट आ जाता है और रानी अपने पूरे क्लास में फर्स्ट आती है। रानी अब नौवीं कक्षा में आ जाती है तभी उसके स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत टीचर आती है, विनीता। विनीता बला की बहुत ही खूबसूरत थी और उसके लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा रहे थे। वो जब क्लास में आती है तो उसे देखकर सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये नई टीचर तो बहुत ही खूबसूरत है। सही कहा, इनके बाल कितने सिल्की और घने हैं, एकदम लुकिंग लाइक अ वाव की तरह। तो बच्चों मेरा नाम विनीता है और मैं आज से तुम लोगों की नई टीचर हूँ। बाकी अब तुम सारे बच्चे एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो। सभी बच्चे अपना एक एक करके अपना नाम बताते हैं तभी विनीता की नज़र एक लड़की के ड्रेस पर जाती है। ये तुम्हारी ड्रेस इतनी गंदी क्यों है? वो टीचर, दरअसल मेरे पास एक ही ड्रेस है, इसलिए मैं पूरे हफ्ते में वीकेंड पर ही ड्रेस धुलती हूँ। और पिछले वीकेंड बहुत ठंड था, बर्फ भी गिरे थे, इसलिए मैं नहीं धुल पाई, पर आगे से मैं साफ ही पहन कर आऊँगी। ये स्कूल है कोई धर्मशाला नहीं कि जैसे मन के उठ कर आ गए, बाहर जाओ और जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं होती तब तक वहीं खड़ी रहो, समझी? मेरा नाम रानी है। रानी ये तुम्हारे बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? टीचर जी मुझे बाल बांधने का टाइम नहीं मिला, जल्दबाजी में मैं ऐसे ही आ गई, घर में दादी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए। अच्छा फिर तो तुम्हारी ये तकलीफ दूर करनी ही होगी, इधर आओ। उसके बाद विनीता रानी के बाल बिल्कुल छोटे छोटे कर देती है। मुझे लंबे बालों से सख्त नफरत है और खुले बाल तो खासकर मुझे नहीं पसंद, इसलिए मेरे क्लास में कोई भी बच्चे खुले बाल में मुझे दिखने नहीं चाहिए। और कोई है जिसके बाल बांधने में परेशानी होती हो? हाँ तुम भी इधर आओ। विनीता एक एक करके जितनी भी लड़कियों के बाल खुले होते हैं सभी के बाल छोटे कर देती है। सभी बच्चे विनीता के डर से शांत हो जाते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सभी, मेरी क्लास में नो मस्ती और नो एक्सक्यूज, सभी बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। विनीता का ऐसा रूप देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। अरे ये टीचर है या नाई, ये यहाँ आने से पहले क्या किसी नाई की दुकान में काम करती थी? धीरे बोल, अगर मैम ने सुन लिया ना तो इसी कैची से तेरी जुबान भी काट देगी। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं मैम। तभी वहाँ उस स्कूल का हेडमास्टर आता है। तो विनीता जी बच्चों से मिल लिए, कैसा लगा हमारा स्कूल? बहुत ही सुंदर है, बस कुछ कमियां हैं जिसे मैं जल्दी सुधार दूंगी। आपसे बस यही उम्मीद है विनीता जी, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। तभी हेडमास्टर की नज़र रानी पर जाती है। अरे रानी बेटा आपके बालों को क्या हुआ? सर विनीता मैडम ने मेरे साथ कई सारे बच्चों के बाल काट दिए। अरे सर ये तो मैंने इनकी ही भलाई के लिए किया है, बाल छोटे रहेंगे तभी तो इनको जल्दी से सब समझ में आएगा। जी आपने बिल्कुल सही कहा विनीता जी, इन बच्चों को तो अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, बाल का क्या है वो तो बाद में भी आ ही जाएंगे, बाल तो बस आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, एकदम लुकिंग लाइक अ वाव की तरह। अगले दिन विनीता क्लास में बैठकर फोन चला रही थी, सभी बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे। तभी विनीता सभी बच्चों को कुछ काम देती है। कल सभी बच्चे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिख कर ले आना। पर टीचर जी आपने तो अभी तक हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं, फिर हम ये उत्तर कहाँ से लिखेंगे? सब कुछ मैं ही पढ़ा दूंगी, तो तुम लोग क्या खाक पढ़ोगे? तुम लोगों को घर पर खुद ही पढ़ना है और सारे सवालों का उत्तर भी खुद ही लिख कर लाना है। जिसका काम भी पूरा नहीं हुआ वो याद रखना, मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। उसके बाद छुट्टी हो जाती है। रानी घर आकर घर का सारा काम करने के बाद पूरी रात पढ़ाई करती है और सारे सवालों के जवाब लिखती है।
अगली सुबह सभी बच्चे जल्दी स्कूल आ जाते हैं। अरे सोनी, तुमने जवाब लिखा है क्या? अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, फिर ये कैसे जवाब लिखूं? ये नई टीचर तो बहुत ही खतरनाक है, एक तो ढंग से कुछ पढ़ाती भी नहीं है, ऊपर से हम ही पर धौंस जमाती है। रानी रानी बहन, तू ही हम सबको बचा सकती है, प्लीज जल्दी से हमें अपना कॉपी दिखा दे। रानी अपना कॉपी सभी बच्चों में बांट देती है और सभी बच्चे जल्दी जल्दी नकल कर सारा जवाब लिख लेते हैं। थोड़ी देर बाद विनीता क्लास में आती है। चलो सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकालो। सभी बच्चे अपना अपना नोटबुक विनीता मैडम को देकर आ जाते हैं। वेरी गुड, आज तो सभी बच्चे काम करके लाए हैं। सोनी चलो खड़ी हो जाओ, सेकंड नंबर के प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? वो मैम वो मैंने अपने नोटबुक में लिख रखा है। हाँ हाँ, जो नोटबुक में लिखी है उसे ही बोल कर बता दो। मर गई, अब क्या करूँ, मुझे तो जवाब आता ही नहीं। वो मैम मुझे नहीं पता। नहीं आता? फिर ये जवाब तुमने अपने नोटबुक में कैसे लिखा है? वो मैम मैंने सभी बच्चों की तरह रानी के नोटबुक से जवाब कॉपी किया है। क्या? चलो अभी कभी खड़े हो जाओ सभी, आज तो तुम सबके खैर नहीं। चलो अब सारे बच्चे ठंड में बाहर जाकर एक पैर पर खड़ी रहो, यही तुम लोगों की सजा है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं कहाँ से ये मनहूस टीचर हमारे स्कूल में आ गई। हमें एक बार इस बारे में हेडमास्टर सर से बात करनी होगी। कोई फायदा नहीं है, तुम सब देखते नहीं हो विनीता मैडम के आते ही कैसे उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं हमारे सर। अब तो हो गई हम सबकी पढ़ाई। सही कह रही हो बहन, ये पूरा साल ही बर्बाद हो गया। ऐसे ही सभी बच्चों के दिन कट रहे थे। विनीता के स्कूल आने से कोई भी स्टूडेंट उससे खुश नहीं था, वो बिना गलती के भी स्टूडेंट को सजा देती रहती थी। ऐसे ही एक दिन विनीता अपने ऑफिस रूम में अकेली बैठी होती है। यहाँ कोई नहीं है, चलो अब जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने सिर के नकली बाल को समय के लिए निकाल लेती हूँ, सिर में इन नकली बालों की वजह से बहुत ही दर्द हो रहा है। विनीता अपने हाथों से अपने सिर का नकली विग वाला बाल निकाल लेती है। दरअसल विनीता के खूबसूरत दिखने वाले बाल नकली थे, वो बचपन से ही टकली थी। विनीता अपने नकली बाल निकाल कर आराम से बैठी हुई थी, तभी उसके खिड़की के पास सोनी आ जाती है और वो विनीता मैम को टकली देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, ये विनीता मैम के सर को क्या हुआ, इनके सारे बाल कहाँ गए? कितना सुकून मिल रहा है, ये नकली बालों के विग पहनने से सर की तो हालत ही खराब हो जाती है, पता नहीं लोग कैसे इसे पहनकर रह जाते हैं। हाँ, मुझे इस स्कूल में किसी को भी ये पता नहीं लगने देना है कि मैं टकली हूँ, वरना सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती, मैं खुद का मजाक बनता बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इधर अपने टीचर की ये सारी बातें सोनी सुन लेती है और जल्दी से स्कूल के ग्राउंड में जाकर सभी बच्चों को विनीता के टकले सर के बारे में सबको बता देती है। क्या बात है सोनी, तू तो एक नंबर की न्यूज़ लेकर आई है, अब हम सबको इस टकली टीचर के कहर से बचने का रास्ता मिल गया। हाँ, अब हम विनीता मैम के टकली सिर का राज सबके सामने ले आएंगे और फिर उसके बाद खुद ही विनीता मैम शर्म के मारे मुंह छुपाकर हमारे गांव से भाग जाएंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम मैम के टकले सर का राज कैसे लेकर आएंगे? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, 2 दिन बाद स्कूल में प्रोग्राम है जिसमें विनीता मैम स्टेज पर जाकर सबके सामने भाषण देंगी। उससे पहले कि हमें विनीता मैम के विग के अंदर ऐसा कुछ डालना होगा जिससे मैम अपने सर को खुजा खुजा कर इतनी पागल हो जाए कि खुद ही सबके सामने अपने सिर का विग उतार कर फेंक देगी। उसके बाद अगले दिन रानी अपने पापा के साथ खेत पर जाती है। अरे बेटा, उस पेड़ को मत छुओ। क्यों पिताजी, ऐसा क्या है इसमें? अरे बेटी, ये कावच का पौधा है, ये अगर तुम्हें शरीर के किसी भी हिस्से में लग गया तो तुम कितना भी कुछ कर लो इसकी खुजलाहट नहीं जाएगी और तुम खुजा खुजा कर पागल हो जाओगी। तब तो ये बिल्कुल काम की चीज है पिताजी। क्या कहा बेटी? कुछ नहीं पिताजी। रानी अपने पिता से छुपकर बहुत ही सावधानी से उसे तोड़कर एक डब्बे में डालकर घर ले आती है और उसे छुपाकर अपने बैग में रख लेती है। अगले दिन स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था, हेडमास्टर जी स्टेज पर भाषण दे रहे थे और इधर विनीता मैम अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी सोनी, रानी और बाकी के बच्चे वो कागज के डब्बे लेकर खिड़की से अंदर देखने लगते हैं। हेडमास्टर जी अपने भाषण के बाद अब मेरा ही नाम लेने वाले हैं। चलो तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए अपने बालों की विग निकाल देती हूँ, वरना ये पसीने के कारण अगर सबके सामने फिसल गई ना तो मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी।
विनीता जैसे ही अपना बालों का विग निकालकर बाथरूम जाती है, वैसे ही सोनी और रानी खिड़की से कूदकर जल्दी से विनीता के विग पर वो खुजली वाला कावच लगा देती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। कुछ देर बाद विनीता अपना बालों वाला विग पहनकर सबके सामने स्टेज पर आ जाती है और सबके सामने माइक पर भाषण देने लगती है। तभी कुछ ही देर में विनीता के सर पर क्वाच की वजह से बहुत तेज खुजली होने लगती है और वो बार बार अपने हाथों से अपने सर को खुजाने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, ये मेरे सर में इतनी तेज खुजली क्यों हो रही है, आह ये खुजली। उसके बाद फिर क्या था, विनीता पागलों की तरह अपने दोनों हाथ से सर को खुजाने लगती है। खुजाते खुजाते आखिरकार विनीता के बालों वाली विग निकलकर जमीन पर गिर जाती है और वह टकली हो जाती है। ये देखकर सभी लोग विनीता पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये बाहरों की रानी एकदम से सूखे पतझड़ में कैसे बदल गई? छी ये अब कितनी बदसूरत लग रही है। हमारी टीचर टकली टकली। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर विनीता वहाँ से चली जाती है और वो उसी दिन उस गांव और स्कूल को छोड़कर शहर चली जाती है और उस दिन के बाद से वो कभी लौटकर स्कूल तो क्या सोनपुर गांव तक में नहीं आई। और इस तरह गांव के सभी बच्चों को विनीता जैसी दुष्ट टीचर के कहर से छुटकारा मिल गया। अमीर वर्सेस गरीब बेटी की शादी। कानपुर शहर के एक छोटे से बस्ती में नीलम अपने पति अनिल और बेटी राधिका के साथ रहती थी। नीलम शहर में रहने वाली मनोरमा देवी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी और अनिल ठेला चलाकर सब्जियां बेचा करता था। दोनों पति पत्नी की कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। मनोरमा के पति अमित बाबू एक सरकारी ऑफिसर थे। दोनों पति पत्नी गरीबों का बहुत इज्जत और मदद किया करते थे। मनोरमा देवी की एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम था कनिका। एक दिन मनोरमा अपनी बेटी कनिका से कहती है, कनिका बेटा दूध पी लो। नहीं माँ, मुझे दूध पसंद नहीं है, मुझे नहीं पीना दूध। अरे बेटा, दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारा दिमाग कैसे तेज होगा, तुम्हें पढ़ लेकर अपने पापा के तरह ऑफिसर बनना है ना। माँ अफसर तो मैं बिना दूध पिए भी बन जाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते, दूध तो तुम्हें पीना ही होगा। तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और कनिका से कहती है, कनिका बिटिया आपकी मम्मी दूध पिला रही है तो पी लो बिटिया, गरीब बच्चों को तो दूध नसीब भी नहीं होता। नीलम की बेटी राधिका भी अभी 3 साल की ही थी। नीलम और उसके पति अनिल की कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को दूध पिला सके। कभी कभी राधिका कुछ अच्छा खाने के लिए जिद भी करती तो नीलम पूरा नहीं कर पाती थी। एक दिन राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ माँ मुझे कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है। बेटा अभी मैंने दाल रोटी बनाई है, तुम ये खा लो, अगली बार मैं तुम्हें कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। माँ तुम हमेशा ही यही कहती हो, लेकिन तुम मुझे कभी कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिलाती हो। इसी तरह नीलम की बेटी राधिका और मनोरमा देवी की बेटी कनिका बड़ी होते जा रही थी। नीलम कभी कभी मनोरमा देवी के घर काम पर आते वक्त राधिका को भी अपने साथ ले आती थी। मनोरमा जो कुछ भी अपनी बेटी को खाने के लिए देती थी वो राधिका को भी देती थी। तभी राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मालकिन ने आज मुझे खाने के लिए सेवैया दी है। अच्छा खा लो बिटिया। माँ देखो ना, इसमें तो काजू और बादाम भी डले हुए हैं। माँ आप भी इतनी अच्छी सेवैया क्यों नहीं बनाती। बिटिया हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि काजू और बादाम डालकर सेवैया खाए। नीलम और राधिका की सारी बातें कनिका सुन रही थी। कनिका भी अपने माता पिता की तरह नेक दिल की लड़की थी। राधिका जब भी अपनी माँ के साथ मनोरमा देवी के घर आती तो कनिका उसे अपने खिलौने खेलने के लिए देती थी और दोनों साथ साथ खेलती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कनिका शहर के अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ने लगी तो वहीं दूसरी तरफ राधिका स्कूल का मुंह तक नहीं देखी। दोनों बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। कनिका कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और राधिका अपनी माँ नीलम के साथ मनोरमा देवी के घर के कामों में हाथ बटाती थी। तभी एक दिन मनोरमा देवी अपने पति अमित बाबू से कहती है, सुनिए जी, अगले साल तक कनिका के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अब हमें कनिका की शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना चाहिए। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो मनोरमा, मैं शहर के सबसे अमीर घराने के लड़के से अपनी बेटी कनिका का शादी करूँगा।
कनिका के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अमित बाबू कनिका की शादी के लिए रिश्ते लेकर शहर के सबसे बड़े घराने में जाते हैं और लड़के के पिताजी से अपनी बेटी कनिका के रिश्ते की बात कर घर वापस आते हैं। और घर आकर अमित बाबू अपनी पत्नी मनोरमा से कहते हैं, मनोरमा, कनिका को देखने के लिए कल लड़के वाले आएंगे। अगले दिन लड़के वाले कनिका को देखने के लिए आते हैं और कनिका को देखकर बोलते हैं, अमित बाबू, हमें अपने बेटे विशाल के लिए आपकी बेटी कनिका बहुत पसंद है। जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम लड़के और लड़की को थोड़ी देर अकेले में बात करने देते हैं। विशाल को पढ़ी लिखी खूबसूरत कनिका पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है और कनिका को भी विशाल बहुत पसंद आता है। दोनों की मर्जी से शादी पक्की हो जाती है। तभी कनिका के पिता अमित बाबू बोलते हैं, लीजिए अब मुँह मीठा कीजिए और आप पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाइए। हाँ हाँ, कल ही पंडित जी को अपने घर बुलाता हूँ और इसी महीने शादी की तारीख निकलवा कर आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना कर ले जाऊँगा। अब नीलम भी अपनी बेटी राधिका की शादी के लिए चिंतित रहने लगी थी और वो एक दिन अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब अपनी बिटिया राधिका शादी के लायक हो गई है, अब हमें कोई अच्छा सा लड़का देखकर राधिका की शादी कर देनी चाहिए। हाँ राधिका की माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन लड़का थोड़ा अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया की जिंदगी भी गरीबी में गुजरे। बचपन तो गरीबी में गुजर गया, लेकिन अब आगे की जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बिटिया की जिंदगी में कोई अच्छा सा लड़का आए और वो अपने जिंदगी हंसी खुशी से जिए। अनिल अपनी बिटिया राधिका के लिए लड़के देखना शुरू कर देता है। अनिल को एक लड़का पसंद आता है जो कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। अनिल उस लड़के को देखकर घर आता है और नीलम से बताता है, नीलम, अपनी बिटिया राधिका के लिए एक लड़का देखा है। लड़का अच्छे घराने से है और कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। अपनी बिटिया राधिका उस घर में खुश रहेगी, कम से कम उसे दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर आप शादी की तारीख पंडित जी से दिखाइए। इत्तेफाक से नीलम और कनिका की शादी एक ही दिन पक्की हो गई। तभी कनिका अपनी माँ मनोरमा से कहती है, माँ, मेरी शादी में मेहंदी और मेकअप के लिए शहर का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर बुक करवा दो, क्योंकि मुझे दोनों हाथों और पैरों में ब्राइडल मेहंदी और ब्राइडल फेशियल भी करवानी है। मुझे हेयर ट्रीटमेंट भी करवानी है, क्योंकि मैं अपनी शादी में सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जो कहोगी वो सब कुछ होगा। कनिका की शादी के लिए शहर का सबसे महंगा और मोतियों से जड़ा हुआ लहंगा खरीदा गया था और शादी के लिए शहर का सबसे बड़ा और महंगा फार्म हाउस बुक किया गया। वहीं दूसरी तरफ राधिका की शादी के लिए उसकी मां नीलम बाजार से सस्ता सा लहंगा खरीद कर लाती है और वो अपनी बेटी राधिका से कहती है, राधिका बिटिया, थोड़ी सी हल्दी और बेसन का उपटन अपने चेहरे पर लगा लेना, थोड़ा रंग निखर जाएगा। माँ, मुझे पार्लर जाने के लिए थोड़े से पैसे दे दो ना। बिटिया, हमें शादी की और भी तैयारी करनी है। हमारे पास जितने पैसे हैं उतने में से ही सारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है माँ। राधिका की शादी नीलम अपने घर से ही कर रही थी। तभी नीलम अपने पति अनिल से कहती है, सुनिए जी, राधिका का जयमाला हम छत पर ही कर लेंगे और शादी का मंडप भी वहीं सजा लेंगे। इस तरह से नीलम और मनोरमा देवी दोनों अपने अपने घरों में शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी अमित बाबू अपनी पत्नी मनोरमा देवी से कहते हैं, मनोरमा, विशाल के घर वाले बहुत अच्छे हैं, दहेज में कुछ भी लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। हमारी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है, वरना आज के जमाने में इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। शादी का दिन आ गया था और दोनों घरों में शहनाइयाँ बजने लगी थी। जहाँ कनिका की शादी बड़े धूमधाम से शहर के सबसे बड़े फार्म हाउस में हो रही थी, तो वहीं राधिका की शादी उसके घर के छत पर हो रही थी। कनिका के शादी का फार्म हाउस को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े लोग कीमती कीमती तोहफा लेकर कनिका के शादी में आने लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका की शादी सिंपल तरीके से हो रही थी। घर की ज्यादा सजावट करने के लिए नीलम और अनिल के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि शादी के आखिरी समय पर लड़के वालों ने दहेज की डिमांड रख दी थी। अनिल के पास जितने भी पैसे थे सारे दहेज के सामान खरीदने में खत्म हो गए थे। कनिका की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राधिका की शादी में लड़के वाले हंगामा खड़ा कर देते हैं। तभी अनिल अपनी पत्नी नीलम से कहता है, नीलम, बराती वालों ने बखेड़ा खड़ा करके रख दिया है। क्यों, हमसे कुछ गलती हो गई क्या जी?
बारात वाले कह रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है और वो लोग खाना खाने से इनकार कर रहे हैं। अनिल और नीलम ने किसी तरह हाथ पैर जोड़कर बारात वालों को खाना खिलाते हैं। बारात वाले को खाना खाने के बाद लड़के के पिताजी कहते हैं, सुन लो भाई साहब, ये शादी तब तक संपन्न नहीं होगी जब तक हमें दहेज में कार नहीं मिलेगी। कार की चाबी मिलने के बाद ही सात फेरे होंगे, नहीं तो हम अपने लड़के के साथ बारात वापस ले जाएंगे। लड़के के पिताजी के मुंह से ये बातें सुनकर अनिल सहम सा जाता है और अपनी पगड़ी उतारकर लड़के के पिताजी के पैर पर रख देता है और उनके आगे हाथ जोड़कर बोलता है, समधी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको दहेज में कार दे सकूँ। अगर बारात लौट गई तो हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर हमारी बिटिया से शादी कौन करेगा। अनिल के लाख गिड़गिड़ाने पर भी दूल्हे के पिताजी एक नहीं सुनता है और अपने बेटे के साथ बारात लेकर वापस जाने लगता है। तभी नीला मनोरमा देवी को फोन करती है और मनोरमा देवी को सारी बातें बताती है। नीलम की बातें सुनकर मनोरमा देवी दुखी हो जाती है और अपने पति अमित बाबू से कहती है, सुनिए जी, राधिका के ससुराल वाले दहेज में कार का डिमांड कर रहे हैं, वरना बारात लेकर लौट जाने की धमकी दे रहे हैं। मनोरमा, राधिका हमारी बेटी जैसी है, हमारी कनिका के ससुराल वाले तो दहेज में हमसे कुछ नहीं लिए, तो क्यों ना हम राधिका के ससुराल वाले को दहेज देकर शादी टूटने से बचा ले। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, हमें राधिका की शादी टूटने से बचानी चाहिए। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। अमित बाबू उसी समय नीलम के घर जाते हैं और राधिका के ससुर जी से बोलते हैं, भाई साहब देखिए, अभी रात काफी हो गई है, इसलिए अभी कार का शोरूम बंद हो गया होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल सुबह आपको दहेज में कार मिल जाएगी। आप शादी की रस्में शुरू करवाइए, मेरी राधिका बेटिया आपके घर की दुल्हन बनकर कार में ही विदा होगी। अमित बाबू दूल्हे के पिताजी के सामने कार के पैसे रख देते हैं और राधिका की शादी संपन्न हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही अमित बाबू शोरूम से एक नई कार लेकर नीलम के घर आते हैं और दूल्हे के पिताजी के हाथों में कार की चाबी सौंप देते हैं। ये सब देखकर नीलम और अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अमित बाबू के पैर पकड़ लेते हैं। मालिक, अब बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान है, आज आपने हमारी और हमारी बिटिया की इज्जत बचा ली। उठो अनिल, राधिका हमारी ही बेटी है और उसकी शादी टूट जाए ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। अब हमारी दोनों बेटियों की विदाई एक साथ होगी। इतना कहकर अमित बाबू अपने घर आ जाते हैं, जहां कनिका की विदाई के लिए सब उनका इंतजार कर रहे थे। और अब दोनों बेटियों की विदाई एक साथ हो जाती है और दोनों अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं। सौतेली बहन और जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना। बहुत समय पहले की बात है, सेवकपुर नामक गांव में सपना और काव्या नाम की दो सौतेली बहनें रहती थी। सपना के पिता और काव्या की माँ दोनों शहर घूमने गए थे। सपना बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काव्या बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा सपना को परेशान करती थी और नीचा दिखाने का कोशिश करती थी। काव्या हमेशा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती और शॉपिंग किया करती थी। तभी एक दिन सपना काव्या से कहती है, काव्या, माँ पिताजी हमारे साथ नहीं है तो कम से कम तुम तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। तुम सारे दिन घर से बाहर रहती हो और मैं सारे दिन घर का काम करती हूँ, कम से कम मेरे साथ रहकर थोड़ी तो मदद कर दिया करो। ओए सपना की बच्ची, मैं तेरी तरह काम करने वाली नहीं हूँ। मुझे दोस्तों के साथ बाहर घूमना और पार्टी करना अच्छा लगता है, और अगर तूने दोबारा से मुझे काम करने के लिए कहा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। चल अब जल्दी से जा और मेरे लिए एक ग्लास फ्रेश जूस लेकर आ। काव्या हमेशा सपना के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। वो हमेशा सपना को खरी खोटी सुनाती रहती थी और उससे अपना और घर का सारा काम कराती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर से सपना की माँ और काव्या के पिता घूमकर वापस घर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस बात की खबर जब सपना और काव्या को मिलती है तो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। हे भगवान, आपने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया? हम तो माँ पिताजी के लौटने का इंतजार कर रहे थे, अब हम माँ पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? माँ पिताजी, आप दोनों को हमें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे? ऐसा कहकर सपना और काव्या दोनों रो रही थी। दोनों सौतेली बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। काव्या बहुत ही चतुर और चालाक लड़की थी।
वो माँ पिताजी की मृत्यु के थोड़े ही दिन बाद सारे बैंक बैलेंस अपने नाम करवा लेती है और सपना के नाम पर कुछ भी नहीं रहने देती है। एक दिन सपना को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में अब एक भी रुपए नहीं है। तभी सपना काव्या के पास जाती है और उससे कहती है, काव्या तुम हर रोज इतना खर्च कहाँ से कर रही हो, कल भी तुम बहुत सारी शॉपिंग करके आई हो, लेकिन आज जब मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरे अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है। माँ पिताजी ने तो हम दोनों के अकाउंट में बराबर ही पैसे डाले थे ना। अरे ओ मूर्ख लड़की, मैंने अपनी चालाकी से तुम्हारे अकाउंट के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए हैं, और इतना ही नहीं घर की सारी प्रॉपर्टी भी मैंने अपने नाम करवा ली है। अब तुम्हें रहने के लिए तुम्हारे पास घर भी नहीं है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरी नौकरानी बनकर इस घर में रहो, वरना मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी। काव्या ये तो बहुत गलत बात है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। माँ पिताजी के बैंक बैलेंस और घर पर तो मेरा भी अधिकार है, फिर तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना इस घर पर तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। ओए दो टके की नौकरानी, मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे जुबान लड़ा रही है, रुक जा तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर काव्या सपना के गालों पर खींच कर तमाचा लगाती है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सपना कुछ नहीं कर पाती है। सपना के पास जो कुछ भी था काव्या ने अपनी चालाकी से सब कुछ छीन लिया था। बेचारी सपना इधर से उधर भटकती रहती है। तभी सपना को एक फूस की झोपड़ी के बाहर एक लाचार बूढ़ी अम्मा उदास बैठी दिखाई देती है। सपना उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और अम्मा से कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा आप यहाँ उदास क्यों बैठी हैं? क्या बताऊं बिटिया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ बना कर खाऊं। बिटिया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं कुछ बनाकर खा भी नहीं सकती। अम्मा जी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन में ही मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी की, कुछ समय पहले सौतेली माँ और पिताजी भी हमें अकेले छोड़कर इस दुनिया से चले गए। एक सौतेली बहन थी, उसने मुझसे सारे धन दौलत और घर सब कुछ छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से भगा दिया, और मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। कोई बात नहीं बिटिया, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रह सकती हो। सपना उस बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर खुश हो जाती है और अब सपना उस बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगती है। सपना उस बूढ़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखती है। सपना बूढ़ी अम्मा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोनों के बीच दादी पोती का रिश्ता बन जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अम्मा के पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो जाता है। तभी सपना अम्मा से कहती है, अम्मा अब तो घर के सारे राशन पानी खत्म हो गए हैं, जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। अम्मा अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या करूं बेटा, अगर मुझ में ताकत होती तो मैं दोबारा से कपड़े सिलकर पैसे जमा कर लेती, लेकिन अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सिलाई कर सकूं। अम्मा सिलाई करना तो मुझे भी आती है, मैं फ्रॉक बहुत सुंदर सिल लेती हूँ। मैं घर चलाने के लिए सिलाई करूँगी और अपना और आपका ख्याल रखूँगी, ठीक है अम्मा? ठीक है बिटिया, जरूर हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इस जन्म में पोती ना होते हुए भी पोती मिली। तुम हमेशा खुश रहो बिटिया। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा सपना को खूब दुआएं देती है। अब सपना खूब सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलती है और उन्हें बाजार में बेचने जाती है। फ्रॉक ले लो, फ्रॉक सुंदर सुंदर फ्रॉक ले लो, अच्छे अच्छे डिजाइन की फ्रॉक ले लो। ऐसा कहकर सपना अपने हाथों से बनाए हुए फ्रॉक बाजार में बेच रही थी। सपना के हाथों से बने हुए फ्रॉक सच में बहुत सुंदर थे और सस्ते भी। थोड़ी देर में ही सारे फ्रॉक बिक जाते हैं। इसी तरह सपना अपना और बूढ़ी अम्मा का ख्याल अच्छे तरीके से रख रही थी। हमेशा की तरह आज भी सपना फ्रॉक बेच रही थी। तभी सपना के पास एक धनवान औरत आती है और वो सपना से कहती है, अरे सुनो लड़की, तुम्हारे फ्रॉक तो सचमुच में बहुत सुंदर है और मुझे 20 दिनों के अंदर 200 फ्रॉक चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही हूँ, उसमें सभी लड़कियों को फ्रॉक पहनना है, लेकिन क्या तुम मुझे 20 दिनों के अंदर 20 फ्रॉक बना कर दे सकती हो? हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, मैं रात दिन मेहनत करके आपको 20 फ्रॉक सिलकर दे दूंगी। आप चिंता मत करो आंटी जी, आपको 20 फ्रॉक मिल जाएगा।
मुझे 20 दिनों के अंदर में सारे ऑर्डर मिल जाने चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये इवेंट बहुत बड़ा है तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बता देती हूँ। ऐसा कहकर वो औरत सपना को एडवांस पैसे देकर चली जाती है। लेकिन तभी पास में खड़ी काव्या सारी बातें सुन लेती है और वो सोचती है, अरे मेरे पास तो अब घर भी नहीं रहा और ना ही बैंक बैलेंस। मैंने सारे पैसे फिजूल में दोस्तों के साथ शॉपिंग और पार्टियां करके खत्म कर दिए और आज ये दो कुड़ी की नौकरानी मेहनत करके मुकाम पर पहुंचने वाली है। नहीं नहीं, मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं इसे अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगी, मुझे इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा सोचकर काव्या सपना को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ सपना घर आकर अपनी दादी को 200 फ्रॉक के ऑर्डर के बारे में बताती है। ये सब सुनकर अम्मा भी खुश हो जाती है। सपना रात दिन मेहनत करके 20 दिनों के अंदर 200 फ्रॉक तैयार कर देती है। सपना बहुत खुश थी कि आज उसकी मेहनत रंग लाने वाली है और उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। सपना उन पैसों से अपना एक बुटीक खोलने का सोच लेती है। सपना के बहुत बड़े बड़े सपने थे। तभी एक रात काव्या सपना के सारे सपनों को चकनाचूर कर देती है। जब रात को सपना सारे काम करके अपनी दादी के साथ सो जाती है, तभी काव्या जहां फ्रॉक सिलकर रखे हुए थे वहां चुपके से आग लगा देती है और खुश होकर वहां से चली जाती है। लेकिन जब सुबह उठकर सपना ये सब देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सपना रोने लगती है। रोते हुए सपना अपनी दादी से कहती है, दादी ये सब कैसे हो गया, मैंने 20 दिनों से लगातार रात दिन मेहनत करके 200 फ्रॉक तैयार किए थे, अगर कल तक ये फ्रॉक मैंने नहीं दिए तो मुझे एडवांस के पैसे भी लौटाने होंगे और मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरी बुटीक खोलने का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। दादी ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं एक दिनों में इतने सारे फ्रॉक कैसे तैयार कर पाऊंगी। बिटिया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आज ये बात तुम्हें बताना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सपना बिटिया तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, यही पास में एक जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना है और वो जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना किसी को नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हें वो जरूर दिखाई देगा। तुम वहाँ से जितना चाहो उतना फ्रॉक लेकर आ सकती हो। जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना तुम्हें फ्रॉक दे देगा, क्योंकि तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती हो और तुम बहुत मेहनती भी हो। अम्मा की ये बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और दादी के बताए हुए जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर एक जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना होता है। और वो वहाँ देखती है कि झरने से बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक बहकर नीचे आ रहे थे। तभी सपना जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरने से कहती है, हे जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या आप मुझे 200 फ्रॉक दे सकते हो। तभी गोल्डन झरने से आवाज आता है, लगता है तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो, तभी तुम्हें ये जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना दिखाई दिया है। जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना बुरे लोगों को दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों को ही दिखाई देता है। मैं तुम्हें अपनी जादुई गोल्डन झरने से एक गोल्डन फ्रॉक देता हूँ, इस फ्रॉक से तुम जितने चाहो उतने फ्रॉक मांग सकती हो, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें हमेशा फ्रॉक देते रहेंगे। ऐसा कहकर जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना सपना को एक फ्रॉक दे देता है और घर आने के बाद सपना और जादुई फ्रॉक से 200 फ्रॉक मांगकर उस धनवान औरत को दे देती है। उस औरत को सारे फ्रॉक बहुत ही पसंद आते हैं और तय किए हुए पैसों से ज्यादा पैसे सपना को देती है। सपना को अब एक के साथ एक बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं और सपना जादुई गोल्डन फ्रॉक के झरने के दिए हुए फ्रॉक से सारे ऑर्डर पूरा करती रहती है। और एक दिन सपना बहुत अमीर हो जाती है और वो अपनी दादी के नाम से शहर में बहुत बड़ा बुटीक खोलती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या ने सपना को बर्बाद करने की लाख कोशिश की, लेकिन सपना की अच्छाइयों की वजह से वो उसे बर्बाद नहीं कर पाई और अपने बुरे कर्मों की वजह से खुद सड़क पर आ जाती है। अब सपना अपनी दादी के साथ खुशी खुशी एक आलिशान बंगले में जिंदगी बिताती है। जादुई लाल टमाटर की खेती। एक गांव में किशोर और रामू नाम के दो मित्र रहा करते थे। किशोर एक बहुत ही मेहनती और दयालु किस्म का आदमी था।
वही रामू बहुत ही आलसी और मतलबी किस्म का इंसान था। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, इसलिए वह किशोर से अक्सर अपना काम निकलवाया करता था। रामू और किशोर दोनों के ही खेत एक दूसरे के आमने सामने थे और किशोर हमेशा अपने खेतों पर कड़ी मेहनत करके अपनी फसल उगाया करता था और उसे बाजार में अच्छे दामों पर बेच दिया करता। वहीं रामू अपनी आलस की वजह से अपने खेतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से उसकी आधी से ज्यादा फसल खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन किशोर रामू के घर जाता है और उसे आवाज लगाता है। अरे रामू, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, हमें खेतों पर जाना है। किशोर की आवाज़ सुनकर रामू की पत्नी लता बाहर आती है और कहती है, अरे किशोर भैया, आप यहाँ? यह तो अभी सो रहे हैं, बताइए क्या काम था? क्या अभी तक सो रहा है? लेकिन उसको पता है ना कि आज हमें फसल काटने जाना है, और उसकी फसल तो कब की तैयार हो चुकी है। अगर उसने अपनी फसल जल्दी नहीं काटी तो उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी, इसलिए उसे एक बार बोल देना कि जल्दी से उठकर खेतों पे आ जाए। वैसे भी सुबह सुबह फसल काट लो तो अच्छा रहता है, वरना शाम तक उनमें नमी आ जाती है। इसलिए उसको बोल दो कि शाम होने से पहले खेतों में पहुँच जाए। इतना कहकर किशोर अपने खेतों पर चला जाता है और समय से अपनी फसल काट कर बोरी में भर लेता है और बाजार में एक अच्छे दाम पर बेच देता है। और शाम को किशोर अपनी फसल बेचकर वापस आता है तो उस समय भी रामू अपने घर पर ही था, इसलिए किशोर उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे क्या हुआ रामू, तू खेतों पे क्यों नहीं आया? तुझे पता है तेरी लापरवाही की वजह से तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे क्या बताऊं यार, आज मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। बस अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी फसल अब कैसे काटूंगा। अच्छा सुन, तेरी फसल का तो सारा काम खत्म हो गया ना, तो तू थोड़ी सी मेरी मदद कर दे, मेरी फसल को भी काट दे, मैं आगे से अपना काम खुद कर लूँगा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तेरी फसल काट दूंगा, बस तू अपना ध्यान रख। इस तरह रामू किशोर को अपनी बातों में बहला कर उससे अपने खेतों की सारी फसल कटवा लेता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ काम से बचने का मौका चाहिए था। लेकिन किशोर बहुत ही दयालु था, उससे अपने दोस्त का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए वो अपने दोस्त की मदद करता है। लेकिन रामू की लापरवाही की वजह से उसकी आधी फसल पहले ही खराब हो चुकी थी। रामू, आज तेरी आलसपन की वजह से तेरी आधी फसल खराब हो गई है। अब ये थोड़ी बहुत फसल बची है, उसे टाइम पर ले जा और उसे बाजार में बेच आ। अरे यार, तुझे तो पता है ना मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, फिर भी तू मुझे बाजार जाने के लिए बोल रहा है। अरे तू ही बेचाना इसे बाजार में, जो भी पैसे मिलेंगे लाकर दे दियो। अच्छा ठीक है, मैं ही बेचाता हूँ। किशोर के इसी अच्छेपन की वजह से रामू अक्सर उसका फायदा उठाया करता था। वह अक्सर ही अपने खेतों का काम किशोर से करवाया करता था। किशोर अपने खेत के साथ साथ रामू के खेतों पर भी काम किया करता था। रामू अपने घर पर हमेशा आराम किया करता है और वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर किशोर को अपनी बातों में फंसा लेता और उससे अपना काम निकलवा लेता। ऐसे ही एक दिन खेतों से घर वापस आते समय किशोर का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पैरों में बहुत चोटें आती है, जिसकी वजह से किशोर चल भी नहीं पा रहा था और उसे डॉक्टर ने एक महीने तक घर पर ही आराम रहने के लिए कहा था। लेकिन इन सब की वजह से किशोर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। संध्या, अब क्या होगा? हमारी टमाटर की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अगर मैं एक दो दिन में खेतों में नहीं गया तो मेरी सारी टमाटर की फसल खराब हो जाएगी और इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप परेशान मत होइए, आप अपने दोस्त रामू से क्यों नहीं कहते? आखिर आप भी तो उनकी हमेशा मदद करते हैं, तो अगर आज आपको मदद की जरूरत पड़ी है तो क्या वो हमारी मदद नहीं करेंगे? आप उन्हें कह दीजिए, वह हमारे टमाटर की फसल काट लेंगे और बाजार में बेच आएंगे। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो संध्या, देखना आज मुश्किल की घड़ी में मेरा दोस्त मेरा साथ जरूर देगा। इतना बोलकर किशोर रामू के घर जाता है
और रामू से मदद मांगता है, लेकिन रामू उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। अरे यार किशोर, यह तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे तो पता है ना कि मुझे ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं जैसे तैसे करके तो मैं अपने खेतों में काम कर रहा हूँ, और कुछ दिनों में मेरी फसल भी तैयार हो जाएगी। फिर मैं तेरी फसल कैसे काट सकता हूँ यार? यार मुझे माफ कर दे, पर मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अब मैं अपनी फसल काटूँ या तेरी, इसलिए तू खुद देख ले क्या करना है। मैं तो जा रहा हूँ अपने खेतों पर। रामू, या तू कैसी बातें कर रहा है? आखिर मैंने भी तो तेरी हमेशा मदद की है, और जब आज मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो तू आज मेरा साथ देने से मना कर रहा है। क्या यही तेरी दोस्ती थी? अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन तू भी तो समझ, मैं अकेले क्या क्या करूँगा, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं यह नहीं कर सकता। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है, और अपने दोस्त की यह बातें सुनकर किशोर को बहुत ही बुरा लगता है, और यही सोचकर किशोर की आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद किशोर जैसे तैसे करके अपनी पत्नी के साथ अपने खेतों पर जाता है, तो वह देखता है कि उसके टमाटर की सारी फसल सरकर खराब हो चुकी है। यह देखकर किशोर को बहुत दुख होता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो हमेशा अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन आज वो मेरी मदद करता तो यह सब खराब नहीं होता, और मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। संध्या, अब हम क्या करेंगे? लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। हे भगवान, आप तो हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हो, तो आज अपनी कृपा मुझ पर बरसा दीजिए। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। किशोर अपनी फसल को खराब देखकर बहुत ही दुखी होता है, और उसके आंखों से आंसू छलकने लगता है। वही आसमान के परीलोक में बैठी विशाखा परी यह सब कुछ देख रही होती है, और किशोर को इतना परेशान देखकर विशाखा परी कहती है, मुझे लगता है किशोर को मेरी मदद की जरूरत है, और मेरे होते हुए किशोर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मुझे लगता है मुझे किशोर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि किशोर एक बहुत ही ईमानदार और दयालु किस्म का इंसान है। उसने हमेशा अपने दोस्त और जरूरतमंद लोगों की मदद की है, लेकिन जब उसको मदद की जरूरत पड़ी तो उसके खास दोस्त रामू ने भी उसको धोखा दिया। इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इस दुनिया में हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, और किशोर ने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। यह सोचकर विशाखा परी अपनी जादुई छड़ी उठाती है, तभी उसकी जादुई छड़ी से एक रोशनी निकलकर किशोर के खेतों पर आकर गिरती है, और देखते ही देखते किशोर की टमाटर की फसल पूरी तरह से लाल हो जाती है, और पूरा खेत लाल लाल टमाटरों से भर जाता है। यह देखकर किशोर और संध्या हैरान हो जाते हैं। अरे संध्या, ये कैसा चमत्कार है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, आखिर ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो मेरी टमाटर की फसल सड़ गई थी, लेकिन ये अचानक से मेरी टमाटर की फसल फिर से पूरी तरह से लाल कैसे हो गई? यह सब तो भगवान का ही चमत्कार है। आपने उन्हें सच्चे मन से याद किया था ना, इसलिए उन्होंने हमारी पुकार सुन ली। अब ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर धीरे धीरे सारी फसल काट लेते हैं, फिर उसे बाजार में चलकर बेच आएंगे। इस तरह से संध्या और किशोर भगवान का ध्यान करके उनका धन्यवाद करते हैं, और अपनी सारी फसल को काट कर बाजार में अच्छे दामों में बेच देते हैं। वहीं रामू की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने आलस किया और अपनी फसल टाइम पर नहीं काटी, जिस वजह से उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। चूँकि पहले किशोर उसकी फसल काटने में उसकी मदद कर दिया करता था, जिससे उसकी कमाई हो जाती थी, लेकिन आज उसके पास पैसों की दिक्कत आने लगी है, क्योंकि उसने किशोर जैसे एक अच्छे दोस्त को खो दिया था, और किशोर को भी अब समझ में आ गया था कि रामू बहुत ही मतलबी इंसान है, इसलिए उसने रामू से अपनी दोस्ती तोड़ ली, और रामू को भी इस बात का एक अच्छा सबक मिल गया कि एक अच्छे दोस्त की कीमत क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।